अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी और 8-10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी फ्रीज़ की हुई तुरई है, हफ्ता पहले मैंने इसको फ्रीज़ किया था। 4 अदद टमाटर लेंगे और 1 अदद अनियन लेंगे। अब 2 टेबल स्पून ऑयल लेके उसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे। अनियन को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। मुझे तुरई में अदरक लहसुन बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए वो मैं ऐड नहीं करूँगी। और अगर आप लोगों को पसंद है तो फिर आप ऐड कीजिएगा। इसके बाद टमाटरों का पेस्ट बना के वो ऐड करेंगे, साथ में ये चंद मसाले ऐड करेंगे। मसालों को 1 आध मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें तुरई ऐड करेंगे। तुरई डाल के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ढक्कन रख के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में चेक कर लेते हैं। अभी ये थोड़े से कच्चे हैं। दोबारा ढक्कन रख के 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। वैसे भी सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, सब्ज़ियों को ओवर कुक करने से उसके फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। तुरई की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।